हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर आपको वेलकम करता हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग टॉपिक है और ये आप लोगों को बहुत यूज़फुल रहेगा। और आज का टॉपिक जो है वो हमारा है फ़ोटो कट एनिमेशन के मामले में। ठीक है, फ़ोटो कट एनिमेशन क्या होता है आज मैं आपको ये बताऊँगा। और ये जो है फ़ोटो कट एनिमेशन, ये अभी तक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। फोटो कट एनिमेशन जो होता है वो रील्स टिकटॉक के लिए लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं और स्नैक शॉट्स के वगैरह इसके लिए यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी तक ये मैंने अभी टिकटॉक या स्नैक वीडियोस वगैरह पर नहीं देखा, मतलब ये अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया ये ट्रिक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आपको और वीडियोज़ मिलती रहें। और चैनल वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर देना यार, और जितना हो सके यार इसको अपने दोस्तों में या फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि वो भी इससे कुछ सीखें और वो भी इससे कुछ बना सके अपना नया कंटेंट। ठीक है, तो आप मुझे अपने मेरे क्या नाम है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और वहाँ से आप मुझसे DM करके भी जो आपको पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं पर्सनली वहाँ बताता रहता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं एक एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है PicArt। यहाँ पर मैं एक पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये पिक्चर ऐड किया, आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है इसी तरह से, और इसको कटआउट करूँगा मैं। ठीक है, आप किसी और सॉफ्टवेयर से भी कटआउट कर सकते हो, बस आपको सही कटआउट करना चाहिए, करना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने ये पर्सन पर क्लिक करके इसको कटआउट कर लिए। ठीक है, तो आप भी इसी तरह कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लगे कि पिक्चर सही कटआउट नहीं हुई है, मतलब यहाँ से ऊपर नीचे हो रही है, तो यहाँ से आप इसको इरेज करके भी और ब्रश करके भी सेट कर सकते हो और कटआउट कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैंने अभी ये कटआउट कर लिया है इसको पर्सन पे क्लिक करके। अब ये कटआउट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, आपने इस तरह से अपनी हर पिक्चर को सेव कर लेना है जिसको आपने यूज़ करना है। अभी यूज़ कैसे करना है मैं आपको ये भी बताऊँगा। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए हम जाएंगे पावर डायरेक्टर पर। पावर डायरेक्टर पर मैं आ गया हूँ, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके, और ये यूट्यूब वाले पर मैं अभी बना रहा हूँ। तो आप इसको फुल स्क्रीन वाले मोबाइल वाले पर भी बना सकते हो, मोबाइल वाले रेशियो पर भी, तो उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। सबसे पहले पिक्चर मैं ये ऐड कर रहा हूँ, आपने अपनी ऐसी पिक्चर ऐड करनी है। ठीक है, तो ये पिक्चर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको जैसे मैं इतने कुछ सेकंड पर, मतलब 6 सेकंड पर मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, और स्प्लिट करने के बाद इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करने के बाद, अब ये मैंने 6 पे इसको स्प्लिट किया था, और 5 पर यहाँ पर मैं जो एक कलर बोर्ड है वो ऐड कर रहा हूँ बैकग्राउंड। तो जैसे मैं यहाँ पर रेड ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कोई और कर लेना जो आपको सही लगे। तो उसके बाद ये 5 सेकंड पर आकर यहाँ से मैं नीचे ये फ़ोटो के बटन पे क्लिक करके, जो मैंने इसी फ़ोटो का कटआउट किया था, अब मैं वो यहाँ पर ऐड कर दूँगा। और यहाँ पर उसको फिक्स एक ही एंगल पे आपने मैच करके लगाना है, आपने हर पिक्चर पे ही ऐसे करना है, तभी आपकी वीडियो सही बनेगी, वरना नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से लुक आएगा इसका। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा से यहाँ पर आकर इसको स्प्लिट कर दूँगा। ठीक है, और इसको डिलीट कर दूँगा। अब ये कह रहा है यहाँ पर मैं एक और फ़ोटो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, पहली फ़ोटो हमने वो ऐड की थी, अब यहाँ पर दूसरी फ़ोटो ऐड कर दूँगा मैं। तो आपने अपनी हर एक फ़ोटो को इसी तरह से ऐड करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर ये वाली फ़ोटो ऐड कर दूँगा। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से बड़ा कर लूँगा। ठीक है, ये पूरी स्क्रीन कर दूँगा। ठीक है, और इसको भी उसी तरह से स्प्लिट और सेटिंग करनी है यार। आपको बस कटआउट करके हर पिक्चर को, बैकग्राउंड को चेंज करते रहना है, और टाइमिंग के हिसाब से लगाते जाना है कि कहाँ पर कैसे कैसे लगाना है, कैसे कैसे नहीं। आप और भी तरीके से बना सकते हो इसी ट्रिक के थ्रू, बस आपको इस ट्रिक की अगर सही से समझ आ जाए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो एक एक करके आपने इसी तरह से, जैसे मैंने अभी इसका भी कटआउट बनाया हुआ था, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये बहुत अमेजिंग ट्रिक है, और अभी तक मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने इसको यूज़ किया, और अभी तक मेरे ख्याल से टिकटॉक स्नैक वीडियोस और रील्स वगैरह पे या फिर पर अभी तक किसी ने ऐसी नहीं बनाई है। तो अगर आप ऐसी वीडियो बनाते हो तो चांसेस ज़्यादा हैं वीडियो वायरल होने के, और लोग उसको कॉपी भी करेंगे। तो जब आप लोग कॉपी करते हैं तो बार बार आपकी वीडियोज़ पर आते हैं और देखते हैं, तो व्यूज़ उससे बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मैं इसको अपने हर पिक्चर को एंगल पर रखना है। मैंने आपको फिर बताया कि उसकी क्रॉपिंग एंगल जो है वो बिल्कुल सेम करना है। तो मैंने इसी तरह से बाकी भी बहुत सारी पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, और आप इस तरह से फिर इन पिक्चरों के ऊपर आप टैक्स वगैरह भी लगा सकते हो, और स्टिकर्स वगैरह भी, और बहुत सारे इफेक्ट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। बस वो आपके ऊपर है, डिपेंड है। मैंने आपको तरीका बता दिया एडिटिंग करने का कि क्या तरीका क्या नहीं। इस तरीके से बहुत से लोगों ने एडिटिंग की है, और बहुत से लोग अभी भी कर रहे हैं, और प्रोफेशनली ज़्यादातर वीडियोज़ में भी एडिटिंग यूज़ होती है, जैसे सॉन्ग्स वगैरह या मूवीज़ वगैरह या व्लॉगिंग वगैरह के लिए भी लोग ये इस तरह की एडिटिंग यूज़ करते हैं।
तो जिस तरह से मैंने किए तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए बहुत। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। वैसे तो मैंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो मैं नई नई वीडियोस लाते रहता हूँ। बस आप मेरे चैनल पे रहें और इनको फॉलो करें और आप भी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक ज़रूर करना। मैं अमेजिंग कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।